नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विदिशा के पास भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में लगी आग, यात्री सुरक्षित, कोच में बैटरी की वजह से हुआ हादसा। अगले चार दिनों तक पहाड़ों से लेकर मैदान तक होगी भारी बारिश, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश, बाढ़ से स्थिति गंभीर, उत्तराखंड में चीन सीमा पर पुल टूटा, कई जगहों पर भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से 9 गाड़ियां बहीं, एक शख्स की गई जान और 3 घायल, बारिश ने मचाई तबाही। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में फिर दर्ज की गई बढ़ोतरी, कई इलाकों में हो रही बारिश से और बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल भी बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का आदेश जारी, स्कूलों में चलते रहेंगे राहत शिविर। भारी बारिश के कारण पूरे तमिलनाडु में 75,000 ट्रक फंसे, ट्रकों में लदे सामान से कंपनियों को हो रहा है भारी नुकसान। भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्ष के 26 दल आज करेंगे मंथन, शीर्ष नेताओं का 2 दिनों के लिए बेंगलुरु में रहेगा जमावड़ा। बेंगलुरु में बैठक से पहले ही विपक्षी दलों को लगा बड़ा झटका, शरद पवार और नीतीश कुमार बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। विपक्ष की बैठक पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का 2024 चुनाव से पहले हो सकता है भाजपा जेडीएस में गठबंधन। फिर छोटे दलों के सहारे बड़े चमत्कार की कोशिश में भाजपा, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना रही खास रणनीति। सहयोगियों को नहीं सहज पा रहे समाजवादी पार्टी और उसके नेता, पहले केशव देव, फिर दारा सिंह और अब राजभर ने कहा अलविदा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की आज से हो रही शुरुआत, 24 विधेयक प्रस्तावित, 10 को कैबिनेट की मंजूरी, 14 होंगे पारित। महाराष्ट्र में एनसीपी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे में जंग तेज, शरद पवार ने अजित पवार गुट के 12 विधायकों को भेजा नोटिस। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले में एनआईए ने किया बड़ा खुलासा, हत्या के लिए पाकिस्तानी व्यक्ति ने सप्लाई किए थे हथियार। आईएसआई के लिए काम कर रहे जम्मू कश्मीर के 3 अधिकारी सस्पेंड, आतंकी फंडिंग करने का भी आरोप, यूएपीए के तहत चलेगा केस। पाकिस्तान के कराची में आटे की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 20 किलो के बैग के लिए चुकाने पड़ रहे 3200 रुपए। बांग्लादेश की बूढ़ी गंगा नदी में यात्रियों से भरी वाटर बस पलटी, हादसे में 4 की गई जान, कई लापता, बचाव अभियान जारी। हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बावजूद नहीं बदला ईरान, सख्त नियमों के साथ सरकार ने फिर शुरू की नैतिक पुलिसिंग। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश पर अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा हर बात पर अध्यादेश लाना समझ में नहीं आता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर जारी, 500 भाजपा समर्थकों ने छोड़ा घर, रात शिविर में रह रही महिलाएं। राहुल गांधी ने सोनीपत के खेतों की यात्रा का वीडियो किया साझा, का किसान भारत की ताकत, उनसे हल हो सकती हैं कई समस्याएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत का बढ़ रहा कद, राजनाथ सिंह बोले ऑस्ट्रेलिया के पीएम उन्हें बुला सकते हैं बॉस। ग्लोबल वार्मिंग से अमेरिका में लगातार टूट रहे गर्मी के रिकॉर्ड, कैलिफोर्निया में तापमान 53 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। सावन के दूसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग, महाकाल की नगरी और काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पाकिस्तान से प्रेमी के लिए भाग कर आई सीमा हैदर का बयान, क्या मुझे धीरेंद्र शास्त्री अच्छे लगते हैं, उनकी स्माइल पसंद। हरियाणा में सिरसा फतेहाबाद में टूटे चार और तटबंध, बचाव अभियान के लिए जाखल रतिया टोहाना में बुलाई गई सेना। पंजाब में बाढ़ की चपेट में अभी भी हैं 100 से ज्यादा गांव, पौंग बांध से छोड़ा पानी, प्रशासन ने जारी किया 2 दिन का बाढ़ का अलर्ट। हरिद्वार में चेतावनी रेखा से गंगा का जलस्तर नीचे आने से मिली राहत, श्रीनगर डैम से पानी छोड़ने के बाद टूट गया था भीम घोड़ा बैराज का गेट। हरेली तिहार के लिए सजा झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का हाउस, मुख्यमंत्री की अपील, हर घर में लगाएं एक पौधा, फोटो करें शेयर। पटना लाठीचार्ज केस में भाजपा की उच्च स्तरीय जांच टीम का दावा, सबसे ज्यादा पटना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठियां। पटना के सीजेएम कोर्ट में नीतीश तेजस्वी पर मर्डर केस की याचिका, आईएएस और आईपीएस अफसरों का भी शिकायती मुकदमे में नाम। टमाटर की किल्लत के बाद जागी सरकार ने खरीदा 3 लाख टन प्याज, कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया परीक्षण। महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में 80 रुपए किलो टमाटर बेचेगी सरकार। हरियाणा के झज्जर में 56 दिन बाद महिला हत्याकांड का खुलासा, पति ही निकला कातिल, पिता के साथ पहाड़ियों में जलाया था शव। मेरठ में रैपिड एक्स के कर्मचारियों पर स्लैब गिरने से 8 मजदूर घायल, 2 की हालत नाजुक, घटना की जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन से फोटोग्राफी पर प्रतिबंध, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने परिसर में लगाए साइन बोर्ड। 130 रुपए प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिका ब्लैक अंबर प्लम, हिमाचल में सेब से भी ज्यादा महंगा होने से टूटे सीजन के रिकॉर्ड दाम।
हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में आज भी रहेगा अवकाश। बारिश और बाढ़ के चलते शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। वैष्णो देवी में धुंध और बादल छाए रहने से ठप रही हेलीकॉप्टर सेवा। बैटरी कार और रोपवे ने श्रद्धालुओं को पहुंचाई राहत। खराब मौसम के बीच 20,806 भक्त पहुंचे पवित्र गुफा। 2,29,000 के पार हुआ दर्शनार्थियों का आंकड़ा। यूपी के हाथरस में क्षेत्रवासियों ने चंदे से बनवाई सड़क। लिखवाया हमने कराया निर्माण, जनप्रतिनिधि वोट मांगने ना आए। यमुना में आई बाढ़ के कारण ग्रेटर नोएडा के गांव में भी भरा पानी। धनकौर कोतवाली एरिया में गंग नहर में नहाते समय बह गए दो दोस्त। बहराइच में 3 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। फकरपुर पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने आरोपी से बरामद की नकदी। पानी में केचुए वाली जनप्रवाद की खबर का बहराइच में दिखा असर। 85 बोरी पानी सींच कर दुकानदार को प्रशासन ने थमाया नोटिस। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी की मौत से मचा हड़कंप। रामपुर पिपरिया गांव का है मामला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में बोलबम के जयकारों के साथ निकले कांवड़िए। मटेरा के पांडवकालीन जंगली नाथ महादेव मंदिर के लिए रवाना। बहराइच के थाना पयागपुर के सिपाही पर चढ़ा सोशल मीडिया का बुखार। थाने को बना लिया रील बनाने का अड्डा, बड़े अधिकारियों का डर नहीं। संभल में लेखपाल की रिश्वत लेन देन और बातचीत का वीडियो वायरल। वीडियो में पैसे को लेकर ग्रामीणों से बहस करता दिखाई दे रहा है लेखपाल। स्पेन के कार्लोस अल्कराज बने विंबलडन 2023 के चैंपियन। 5 सेट तक चले फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।